हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं या किसी वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अपने फोटो, अपना सिग्नेचर का जो विथ हाइट में आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ऐसे में अपना फोटो सिग्नेचर की जो साइज वगैरह है, विथ हाइट है, वो कैसे आपको बदलना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली आपको जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वो आपको देखना है, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना है। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। सबसे पहले हम फोटो की जो हाइट और विथ है वो चेंज करेंगे। तो फोटो की यहाँ पर विथ है वो यहाँ पर 8 सेमी रखेंगे और यहाँ पर हाइट है वो 10 सेमी रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर है वो ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको सर्च बार में यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटो एडिटर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऐप्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं फोटो एडिटर, और यहाँ पर आपको लोगो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसी ऐप को अपने मोबाइल पे आपको इंस्टॉल है आपको कर लेना है। तो जैसे अपने मोबाइल फोन पर फोटो एडिटर ऐप्स है वो डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद में ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐप फर्स्ट इंटरफेस है वो आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपनी फोटो की जो विथ है वो आप डालना चाहते हैं, जो भी आप विथ है वो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं 8 सेमी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो विथ है वो यहाँ पर 10 सेमी है वो यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पिक्सल में वो सिलेक्टेड है वो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सेमी में है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा जूम कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको इसके बाद में आपको टेक्स्ट एंड इमेज पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले इमेज वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको बिल्ड इन इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी फोटो को यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो है वो सिलेक्ट कर ली है, तो आपकी फोटो में एक्स्ट्रा पार्ट है तो यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉप है वो कर लेता हूँ फोटो को, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉप है वो कर लिया है। इसके बाद में आपको अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर अपनी जो लेयर है उसके यहाँ पर साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपनी फोटो है पहले वाली लेयर से यहाँ पर जो पूरी तरह से फिल हो चुकी है। इसके बाद में आपको राइट पर क्लिक करेंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपकी जो फोटो है यहाँ पर इसकी जो साइज है वो कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर इसकी जो विथ है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। इसके बाद में आपको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको गैलरी है वो सेव कर लेना है। यदि आप PNG फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जो भी आप फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, गैलरी है वो ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो फोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर किसी भी वैकेंसी और किसी भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना जो सिग्नेचर की विथ है वो कैसे बदलना है। तो जैसे कि हम सिग्नेचर की बदल लेते हैं, 5 सेमी विथ रखेंगे और इसकी जो हाइट है वो 3 सेमी रखेंगे। इसके बाद में आपको फिर से बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको विथ में 5 सेमी देनी है, और यहाँ पर आपको हाइट के लिए यहाँ पर आपको 3 सेमी आपको देनी है। आपकी जो साइज है यहाँ पर जो सेमी में ही आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जूम है वो कर लेना है, और यहाँ पर आपको फिर से एड इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको इमेज वाला वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको बिल्ड इन इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपना सिग्नेचर वाला फोटो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लिया है। यदि आप उस सिग्नेचर को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं, यदि सही है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यदि आप जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं इसकी जो हाइट है, यहाँ पर अपना जो हाइट वगैरह है वहाँ पर वो फिक्स कर लेनी है। इसके बाद आपको राइट वाले क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको इस इमेज को आपको सेव कर लेनी है। सेव करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं गैलरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज आ चुका है कि आपकी जो इमेज है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इस प्रकार से अपनी फोटो और सिग्नेचर का विथ हाइट आप बदल सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी है वो पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। हम मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।